अब बात करते हैं इंदौर की, जहां के मदन महल गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर अद्भुत शहर है, पूरी दुनिया में नाम है इंदौर का स्वच्छता के लिए, जन भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री भी इंदौर का उदाहरण देते हैं। मेरे भी सपनों का शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश के विकास का इंजन है, इंजन ठीक चलेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गई गुजरी पार्टी हो गई है, तुष्टिकरण की पार्टी है कांग्रेस, राजस्थान में आतंकियों ने गला रेत दिया, महाराष्ट्र में भी यही हुआ है, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, हम राष्ट्रवादी सोच के साथ विकास करेंगे। वहीं कमलनाथ ने संबल योजना को बंद कर दिया था और हम बहनों को 16,000 देते थे। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ से पूछा कि मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अब मामा फिर से आ गया है और बहनों का हक कोई नहीं ले सकता। कैसा चल रहा है आपकी पार्टी का काम? अच्छा, घर का संपर्क हो गया, जितनी राज्यों से मिले सबसे ज्यादा इंदौर आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास का इंजन है, इंदौर विकास का इंजन, और इंजन चलेगा तो ही प्रदेश चलेगा, नहीं तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो इंदौर ठीक चलना चाहिए। देखो, अपना इंदौर के लिए जो सोच है, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, सुरक्षित मतलब आधी रात के बाद भी मेरी बहन और बेटियां इंदौर की सड़कों पर घूमें, किसी की हिम्मत ना हो तो उनकी तरफ काम उठा देते, और अपना विकसित इंदौर। आप जानते हैं मेरी बहन और भाइयों, आज इंदौर विकास की दृष्टि से जहां पहुंचा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण पहुंचा है। ठीक बात है कि नहीं? कांग्रेस ने इतना काम कभी किया था क्या इंदौर में? कभी नहीं। और कांग्रेस तो वैसे भी कई गुजरी की पार्टी हो गई, कांग्रेस ने हमेशा किया तुष्टिकरण, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में गर्दन रेत गए आतंकवादी, गर्दन काट गए कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में भावी गर्दन काट के मार डाले, भावी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी, यह है, यह हुआ है। अगर तो तुष्टिकरण के कारण हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन मेरा साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आतंक और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कुचल के रख दिया जाएगा।